दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जिससे हर व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है और अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर बेहतर से बेहतर इंसान बन सकता है। बचपन में कलाम जब पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखते थे तो उन्हें भी आसमान में उड़ने का मन करता था और वे एक पायलट बनना चाहते थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए कलाम पूरी लगन और मेहनत से स्टडी करते थे। हायर स्टडी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। MIT के चयनित उम्मीदवारों के लिस्ट में जब उनका नाम एडमिशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गया, तब अब्दुल कलाम के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन MIT में दाखिला बहुत महंगा था, कम से कम 1000 रुपये की ज़रूरत थी। 1950 के दशक में एक साधारण परिवार के लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, पर अब्दुल कलाम ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिन गुजर गए लेकिन पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। धीरे धीरे दाखिले की अंतिम तिथि भी नज़दीक आते जा रही थी। तभी एक दिन कलाम को पता चला कि पैसों का इंतजाम हो गया है। वह भागे भागे घर आए और अपनी अम्मी से पूछा कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे हुआ। तब उनकी अम्मी ने बताया कि उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चैन बेचकर इतने पैसों का इंतजाम किया है। अपनी बहन का उनके ऊपर विश्वास, उसकी उम्मीद, उसके स्नेह को देखकर कलाम एकदम पसीज गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दोस्तों, MIT अर्थात मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टडी के दौरान एक बार फिर कलाम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आन पड़ी। कलाम को अपने 6 कलीग्स अर्थात अपने 6 सहपाठियों के साथ मिलकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। कलाम साथियों के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करने में लगे हुए थे। तभी अचानक प्रोफेसर श्रीनिवासन रिव्यू करने के लिए पहुंच गए। प्रोजेक्ट के डिजाइन और प्रोग्रेस को देखकर वे बहुत निराश हुए। उन्होंने कलाम से कहा कि कलाम, मैं तुम्हारे काम से सचमुच निराश हुआ हूँ। मुझे तुमसे इससे कहीं बेहतर डिजाइन की अपेक्षा थी। कलाम ने कई सारे कारण बताए लेकिन उन्होंने एक न सुनी। फिर कलाम ने प्रोफेसर साहब से विनती की और कहा कि सर, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक बेहतर डिजाइन बना लूँगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कलाम की ओर देखा और कहा, देखो नौजवान, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर सोमवार की सुबह तक तुमने इससे बेहतर डिजाइन नहीं दिखाया तो शायद तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। प्रोफेसर के मुंह से यह बात सुनकर कलाम एकदम से स्तब्ध रह गए। उनके सपने, उनका भविष्य सब स्कॉलरशिप पर टिके थे। परिवार के सदस्यों का चेहरा एक एक करके उनके जेहन में आने लगा। उन सब ने कितने विश्वास, उम्मीद और आशा के साथ उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। कलाम हिम्मत के साथ डटकर अपने काम में जुट गए। उस रात बिना डिनर किए पूरी रात अपने साथियों के साथ काम में लगे रहे, अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। अगली सुबह बस 1 घंटे आराम किया, मुंह में जरा सा कुछ डाला और फिर से उस काम में जुट गए। रविवार की सुबह जब वे उस काम को कम्प्लीट करने जा रहे थे तभी अचानक उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन खड़े थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन एयरक्राफ्ट के डिजाइन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कलाम की पीठ थपथपाई और अपने गले से लगा लिया। प्रोफेसर श्रीनिवासन कलाम को अपने घर ले गए और मद्रास की स्पेशल कॉफ़ी पिलाई। फिर कलाम से बोले, मैं जानता था कि काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैंने तुम पर दबाव डाला, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतना बढ़िया काम कर दिखाओगे। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। दोस्तों, हर एक इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, कठिनाइयाँ व चुनौतियाँ आती है। अधिकतर लोग मुश्किलों को देखकर, चुनौतियों को देखकर घबरा जाते हैं, वे हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वहीं कुछ लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह होते हैं। वे हिम्मत से हर मुश्किल और चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और ईमानदारी से परिश्रम करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, हिम्मत और मेहनत दो ऐसे हथियार हैं जो एक इंसान को योद्धा बना देता है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको विजय दिलाने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते।